हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड नहीं आ रहा है और कीबोर्ड में आपको इस तरीके से शो होता है टैप टू स्पीक। तो इसे कैसे हटाएं या फिर इसे हटाकर अपने फ़ोन में नॉर्मल कीबोर्ड वापस कैसे लगाएं, तो इसके लिए आप यहाँ से बाहर आइए, उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। अब नीचे आइए, नीचे आकर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से आ सकता है। तो इसे ओपन करने के बाद ऐसा पेज आएगा। अब ऊपर इन तीन डॉट पे क्लिक करिए राइट साइड में। उसके बाद शो ऑल ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब उसके बाद नीचे आइए, नीचे आकर यहाँ पे जीबोर्ड आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जीबोर्ड पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। उसके बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे अब क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने के बाद बैक आ जाइए और बैक आकर आएगा यहाँ पे अब सेटिंग में नीचे एडिशनल सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपका जीबोर्ड ऑफ है तो इस बटन पे क्लिक करिए और इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद बैक आइए, अब करंट कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद जीबोर्ड आएगा तो जीबोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे करंट कीबोर्ड में जीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि बंद करके चालू करिए। और उसके बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में कीबोर्ड आ रहा है, यानी कि नॉर्मल कीबोर्ड आ गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।